Hey guys, welcome back to our channel. आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो स्पेस रिसर्च को एक नया डायमेंशन दे रहा है, क्यूबसैट्स। अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो आपने क्यूबसैट्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये छोटे सैटेलाइट्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों ये स्पेस रिसर्च के फ्यूचर को बदल रहे हैं, आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इमेजिन करो एक सैटेलाइट जो सिर्फ आपके स्कूल के शूबॉक्स जितना बड़ा हो, लेकिन स्पेस में जाके डेटा कलेक्ट कर सकता हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, सैटेलाइट्स भी इवॉल्व हुई हैं, और क्यूबसैट्स इस इवोल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज हम देखेंगे क्यूबसैट्स कैसे बनते हैं, कैसे लॉन्च होते हैं और किस तरह से ये स्पेस मिशंस को अफोर्डेबल बना रहे हैं। रेडी, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्यूबसैट्स हैं क्या। क्यूबसैट्स छोटे बॉक्स शेप सैटेलाइट्स होते हैं जिनका साइज एक क्यूब के जैसा होता है, बेसिकली 10 cm by 10 cm by 10 cm, जो एक यूनिट होता है यानी 1 U। क्यूबसैट्स का साइज 1 U से लेके 6 U या 12 U तक होता है, जिसका मतलब है ये 10 से 30 cm तक के क्यूब्स के फॉर्म में होते हैं। छोटे साइज के वजह से इन्हें लॉन्च करना इजी और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब आता है सवाल, क्यूबसैट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? पहले के जमाने में एक सैटेलाइट लॉन्च करना काफी महंगा होता था, लेकिन क्यूबसैट्स ने इस कॉस्ट को काफी कम कर दिया है। यूनिवर्सिटीज, स्टार्टअप्स और इवन हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी क्यूबसैट्स बना के स्पेस रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये अफोर्डेबल स्पेस एक्सेस की वजह से स्पेस रिसर्च और कम्युनिकेशन में एक रेवोल्यूशन ले आए हैं। अब बात करते हैं ये काम कैसे करते हैं। क्यूबसैट्स के बेसिक कंपोनेंट्स में होता है एक पावर सिस्टम जो सोलर पैनल से चार्ज होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो अर्थ के ग्राउंड स्टेशन से डेटा एक्सचेंज करता है, और ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो क्यूबसैट के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे ही क्यूबसैट स्पेस में पहुंचता है, ये सोलर पैनल्स को डिप्लॉय करता है, एनर्जी स्टोर करता है और अपना मिशन शुरू करता है। जैसे अर्थ की फोटोज लेना, वेदर डेटा कलेक्ट करना या कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। क्यूबसैट्स को जनरली बड़े रॉकेट्स के साथ पिगीबैक करके लॉन्च किया जाता है, यानी जब कोई बड़ा सैटेलाइट या स्पेस मिशन लॉन्च होता है तो क्यूबसैट्स उस रॉकेट के एक्स्ट्रा स्पेस में फिट हो जाते हैं, जिससे लॉन्च कॉस्ट काफी कम हो जाती है। इस तरीके से स्पेसएक्स, नासा और बहुत सी प्राइवेट कंपनीज क्यूबसैट्स को स्पेस में डिप्लॉय करती हैं। क्यूबसैट्स के एप्लीकेशंस एंडलेस हैं। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन, वेदर मॉनिटरिंग, क्लाइमेट रिसर्च और इवन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज होते हैं। जैसे मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए नासा ने क्यूबसैट्स का यूज किया और ये सक्सेसफुली डेटा भेजने में कामयाब रहे। और हाँ, कम्युनिकेशन के फील्ड में भी ये काफी हेल्प करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सेस को रिमोट एरियाज तक पहुंचाना। फ्यूचर में क्यूबसैट्स का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली लो कॉस्ट मिशंस के लिए। स्पेस टूरिज्म, एस्टेरॉयड माइनिंग और इवन इंटरप्लैनेटरी मिशंस में क्यूबसैट्स एक इंपॉर्टेंट टूल बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम फ्यूचर में क्यूबसैट से स्पेस में ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सो गाइस, ये था क्यूबसैट्स के बारे में एक कंप्लीट गाइड। अगर आपको क्यूबसैट्स के एप्लीकेशंस और फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में और ज्यादा जानना है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।